हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब लोग आशा करते हैं आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे और इसके पहले के हमारे सारे वीडियोस को आप सबों ने जरूर से देखा होगा विशेष रूप से टेंस और वॉइस के पार्ट वन और पार्ट टू को आप सबों ने जरूर से देखा होगा आज हमारा वॉइस का ये थर्ड लेक्चर है इसके पहले वॉइस पार्ट टू तक में हम लोगों ने वॉइस को काफ़ी डिटेल में पढ़ा है जाना है समझा है और वॉइस में टेंस के स्ट्रक्चर पर बेस्ड प्रेजेंट इन डिफरेंट से लेके प्रेजेंट परफेक्ट तक के रूल्स को और उनके कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने सीखा समझा और वहाँ तक पे बेस्ट वॉइस के सेक्शन से वॉइस चैप्टर से जिस किसी भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं चाहे वो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का हो चाहे वो कॉमन एरर के पार्ट का हो या वो आपके टीयर वन टीयर टू का सी और सी एच एस एल टीयर वन का हो क्वेश्चन उसमें भी जिस किसी भी प्रकार से वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है जहाँ पर आपको वॉइस चेंज करने के लिए इंस्ट्रक्शन में दिया गया होता है उन सभी पैटर्न के क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया था तो आइए आज के अपने इस थर्ड लेक्चर को अर्थात वॉइस के पार्ट थर्ड को उसके आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ाते हैं कंटिन्यू करते हैं और बिना डिले के हम लोग आगे कुछ नई चीज़ों को सीखने समझने का प्रयास करते हैं तो चलते हैं हम लोग फटाफट यहाँ से आगे ये यह देखिए यहाँ तक हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का यही था अब आज के क्लास में हम लोग यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे तो हम लोग वॉइस को पढ़ रहे थे बिल्कुल जीरो लेवल से बिल्कुल बेसिक लेवल से बिल्कुल बॉटम लेवल से बिल्कुल फाउंडेशन लेवल से पढ़ रहे थे और हमने आपको वॉइस के फर्स्ट क्लास में भी बताया था कि हम लोग वॉइस को बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ना शुरू करेंगे और जीरो लेवल से आगे चल के हम लोग एडवांस लेवल तक चलेंगे ठीक है तो इसमें जिस किसी भी पैटर्न का क्वेश्चन आपके किसी भी एस के एग्ज़ाम में पूछा जाता है उन सबको हम लोग साथ यहाँ पर लेकर चलेंगे ठीक है चलिए तो अब आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ से आगे बढ़ाते हैं सबसे पहले हम आपको बताते चले कि पास्ट पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है टेंस में सबसे पहले हम लोग एक्टिव पैसिव सीखेंगे किसका तो पास्ट एंड डिफरेंट का देखें, पास्ट एंड डिफरेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है पास्ट एंड डिफरेंट में एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है तो एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है वो आपका सेकेंड फॉर्म और इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं ये एक्टिव में होता है कहाँ पे होता है तो ये हमें देखने को मिलता है एक्टिव में ठीक है अब इसका जब हम लोग पैसे बनाते हैं तो पैसे में हम लोगों को क्या देखने को मिलता है इसका हम लोग पैसे बनाते हैं वॉज वर् प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉज वर्व प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आपको कहीं भी वब का सेकंड फॉर्म दिखाई दे वर्ब का सेकंड फॉर्म दिखाई दे या डेढ़ के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे तो उसको हम लोग इसमें कन्वर्ट करेंगे उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में वॉज वर्व प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में ठीक है उसके पहले से हमने आपको बता रखा है कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम सबों को पता होना चाहिए क्या क्या पता होना चाहिए भाई तो हमने आपको पहले से बता रखा है वॉइस के फर्स्ट क्लास से ही हमने आपको बता रखा है कि वॉइस के क्वेश्चन को एक्टिव से पैसे में चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको पकड़ना आना चाहिए मेन वो फिर उसके बाद उसका सब्जेक्ट फिर उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट ठीक है ये सारी बातें हमने आपको पहले से बता रखी है वॉइस पार्ट वन में इसके जितने भी प्रीरिक्विजाइड्स हैं अर्थात वॉइस को समझने के लिए वो जितने भी कॉन्सेप्ट हैं चैप्टर्स हैं टॉपिक्स हैं पॉइंट्स हैं जो आपको पहले से आना चाहिए उन सबों पे हमने आपके साथ डिटेल में चर्चा की थी और वॉइस पार्ट वन में हमने आपको फिर से रिपीट करवाया था जो हमने आपको टेंस पार्ट वन में बताया था क्या बताए थे भाई वॉइस पार्ट वन में तो हमने आपको बताया था कि गिवन किसी भी गिवेन सेंटेंस का टेंस और वॉइस आप कैसे पहचानेंगे कैसे पहचानेंगे कि गिवेन सेंटेंस एक्टिव में है या पैसे में ठीक है और इसके साथ ही साथ और भी ढेर सारे बातों पे हम लोगों ने चर्चा वॉइस पार्ट वन से लेकर पार्ट टू तक में करी थी तो यदि किसी का वॉइस पार्ट वन और पार्ट टू छूट गया हो तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर से देख लीजिएगा सो so देट कि आगे जब आप इंटरोगेटिव बनाएंगे डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव बनाएंगे इंटरोगेटिव एंड डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव दो प्रकार के होते हैं यस नो इंटरोगेटिव और डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव ठीक है तो उन दोनों प्रकार के इंटरोगेटिव को बनाते समय आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी ठीक है तो वहाँ पे आगे चल के आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए वॉइस पार्ट वन पार्ट टू को ज़रूर से देख लीजिए और यहाँ से हर एक क्लास को आप कंटिन्यू देखते चलिए आप में से कई बच्चे डिमांड करते हैं पूछा करते हैं कि सर हमारी इंग्लिश बहुत ही पुअर है क्या करें भाई कुछ नहीं करना है कम से कम हम आपको जो पढ़ा रहे हैं जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं आप इसको कंटिन्यू देखते रहिए हमारे वीडियोस को जरूर कंटिन्यू आप देखते रहिए और जिस अप्रोच के साथ जिस तरीके से हम आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाते हैं इसको आप कंटिन्यू रखिए और जितने भी क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करवाते हैं चाहे यहाँ पे वीडियो सेशन के माध्यम से करवाएं या आपको जो प्रैक्टिस सिट दिए जाते हैं जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं जैसे हम आपको यहाँ पर क्वेश्चन लगा दिखाते हैं इन द सेम वे आप उसको कम से कम तीन से चार बार बनाइए ज़्यादा बेहतर है कि आप उसको चार से पाँच बार बनाइए फिर देखिए आपके जो लॉजिक हैं कॉन्सेप्ट है वो ठीक होने शुरू हो जाते हैं ठीक है और ग्रामर पे आपकी पकड़ बनने शुरू हो जाती है आपसे क्वेश्चन बनना शुरू हो गया आपका कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया और अब आप कुछ भी कर सकते हैं अब कुछ मतलब छत से कूद नहीं जाना है ठीक है बात समझ में आ रही है आप अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा करने लग जाते हैं आप में से कई बच्चों का क्वेश्चन आता है क्या क्वेश्चन आता है सर मेरा वो कैब ठीक नहीं है सर मेरा नॉन ग्रामर का पार्ट ठीक नहीं है वो कैब भी ठीक होगा नॉन ग्रामर भी ठीक होगा वो कैसे ठीक होगा उसके लिए आप रीडिंग डालना शुरू कीजिए बाकी कुछ वो कैब हम आपको यहाँ पे वीडियो सेशन के माध्यम से जो कराएंगे वो रहेगा आप उसको फॉलो कीजिए ठीक है और उसी पैटर्न को जैसे हम ग्रामर आपको पढ़ाते हैं तो जिस पैटर्न के क्वेश्चन हम यहाँ पर आपको सॉल्व करवाते हैं बस आपके बोले इतना ही कर लीजिए आपका काम हो जाता है ठीक है ये मोर देन इनफ है आपके एस एग्ज़ाम के लिए ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ऑब्जेक्ट इधर आएगा सब्जेक्ट इधर जाएगा ये रिवीजन हो गया ठीक है अब ये जो हमारा मेन वर्ब है ये चेंज करेगा एक्टिव से पैसे में मेन वर्ब यहाँ भी आ जाएगा ठीक है आइए अब इसका हम लोग आंसर बनाना यहाँ से शुरू करते हैं और देखें कि इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या बनेगा तो ये वॉटर्ड ये कौन सा फॉर्म है वर्ब का सेकंड फॉर्म वर्ब के सेकंड फॉर्म को किस में चेंज करेंगे तो वर्ब के सेकंड फॉर्म को हम लोग चेंज करते हैं है. थर्ड फॉर्म में चलिए आंसर क्या बनेगा तो आंसर बनेगा हमारा द फील्ड आंसर बनेगा द फील्ड वॉज द फील्ड वॉज वॉटर्ड वॉटर्ड बाय द फार्मर द फार्मर ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन में चले एक अगला और क्वेश्चन हम लोग देखें जो सामने राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा है इस सेंटेंस में देखिए हमारा मेन वर्ब क्या है तो मेन वर्ब है कम्पोज ठीक है ये क्या है इसका सब्जेक्ट ये क्या है इसका ऑब्जेक्ट ठीक है अब ये मेन वर्ब वॉब के कौन से फॉर्म में है सेकेंड फॉर्म सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट एंड डिफरेंट पास्ट एंड डिफरेंट का मतलब क्या है इसको किस में कन्वर्ट करेंगे तो इस, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे वॉज वर्व प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में चलिए तो हमारा पैसिव का सब्जेक्ट क्या हो गया ये वाला तो पैसिव का सब्जेक्ट कैसा है सिंगुलर तो वर्ब कैसा है? यूज करेंगे वॉज वॉज कंपोज कंपोज बाई हिम कंपोज बाई हिम बात समझ में आ गई चलिए अब यहाँ पे हम लोगों ने पास्ट एंड डिफेनेट का एक्टिव से पैसिव बनाना सीखा कैसे हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाते हैं और ठीक उसके रिवर्स हम लोग कर देंगे पैसिव से एक्टिव के लिए ठीक है चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग और अब हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या कुछ मॉडल क्वेश्चन को यहाँ पे बनाते हैं देखते हैं कि आपके एग्जाम में यदि क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे ठीक है अब यहाँ पे देखिए अप्रोच सीखिए कैसे आप सीखते हैं और कम समय में कैसे आप अप्रोच लेते हैं क्योंकि आपके एग्जाम में टोटल सिक्सटी मिनट्स ही होते हैं साठ मिनट में ही आपको कितना क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो हंड्रेड क्वेश्चन सॉल्व करना होता है उसमें आपका मैथ भी होता है इंग्लिश भी होता है रीजनिंग भी होता है जी के जी भी होता है ठीक है चलिए अब देखिए हम लोग क्या हमारा अप्रोच होता है तो हमने आपको क्या बताया कोई भी सेंटेंस दिखाई पड़े सबसे पहले उसमें क्या ढूंढना है उसका मेन वर्ब फिर उसका सब्जेक्ट फिर उसका ऑब्जेक्ट अभी ऑब्जेक्ट देख लीजिए कैसा है सिंगुलर है तो वब कैसा लेगा सिंगुलर ठीक है अब ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है सेकंड फॉर्म है अर्थात इसका टेंस हो गया पास्ट एंड डिफरेंट पास्ट एंड डिफरेंट हो गया इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे ऑब्जेक्ट चूंकि सिंगुलर है तो हम लोग यूज़ करेंगे वॉज का किसका यूज़ करेंगे वॉज का तो वॉज के साथ हम लोग यूज करेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म कैच का थर्ड फॉर्म क्या होता है कैच कॉट कॉट ठीक है तो हमारा आंसर जो बनेगा वो होगा वॉज कॉट ठीक है आ जाइए ऑप्शन जरा चेक करें यहाँ देखिए वॉज कॉट है क्या नहीं है कैंसिल वॉज कॉट कैंसिल वॉज कॉट कैंसिल वॉज कॉट मिलाइए हो गया आंसर कितना आसान है बताइए ठीक है सभी ऑप्शंस को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है अब ये छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं चलिए एक दो छोटा सेंटेंस भी हम लोग सॉल्व करके देखते हैं यहाँ पे आइए यह, यहाँ पे ये यह है हमारा मेन वर्ब और ये है वॉब का सेकंड फॉर्म अर्थात ये हो गया पास्ट एंड डिफरेंट ये हो गया हमारा सब्जेक्ट और ये वेरी रिमार्केबल ऑब्जर्वेशन ये हो गया हमारा पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट और ये देखिए ऑब्जेक्ट के पहले क्या लगा हुआ है आर्टिकल ये लगा हुआ है अर्थात ऑब्जेक्ट हमारा कैसा है ऑब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर ऑब्जेक्ट कैसा है ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर ठीक है बात समझ में आ रही है अब ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब के सेकंड फॉर्म का पैसिव क्या बनाते हैं यहाँ पे हम क्या करेंगे तो मेड का थर्ड फॉर्म भी ही होता है मेक मेड मेड ठीक है क्लियर है हमारा आंसर क्या बनेगा तो आंसर इसके साथ व वेरी रिमार्केबल ऑब्जर्वेशन के साथ हम यूज़ करेंगे वॉज का वॉज के साथ आएगा मेड चलिए ऑप्शन को ढूंढना हम लोग शुरू करें ऑप्शन में हम ढूंढना शुरू करें वॉज मेड यहाँ देखिए मेड दिखाई दिया और ये यह देखिए यहाँ पर मेड नहीं है अर्थात ऑप्शन नंबर सी कैंसिल यहाँ देखिए मेड है नहीं है कैंसिल कैंसल मेड है नहीं है ये भी कैंसिल एक ही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी बात समझ में आ रही है नेक्स्ट यहाँ से और आगे बढ़ते हैं हम लोग चलते हैं कुछ और नए क्वेश्चन की तरफ ये काफ़ी छोटा सा क्वेश्चन है इसको स्किप करते हैं ये भी छोटा ही सा क्वेश्चन है ये भी छोटा सा है ये भी छोटा सा है कुछ बड़ा टाइप का क्वेश्चन मिले तो मजा आता बड़ा टाइप का कोई क्वेश्चन दिखने चलिए ये थोड़ा सा बड़ा है इसको जरा देखिए हम लोग यहाँ पे आइए यहाँ पे ये देखिए ये क्या है, ये हमारा मेन वर्ब ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है सेकंड फॉर्म है ये हो गया सब्जेक्ट ये हो गया ऑब्जेक्ट यहाँ देखें दो जो रोबोट्स ये कैसा है प्लूरल है प्लूरल है तो इसके साथ कैसा यूज़ करेंगे वॉज ये वर क्या यूज़ करेंगे तो इसके साथ यूज़ करेंगे हम लोग वर का ठीक है इसके साथ क्या यूज़ करेंगे इसके साथ यूज़ करेंगे वर का ठीक है अब हमें पैसे में क्या देखना है पैसे में हमें देखना है कि इसके साथ पैसे में ये जो वर्ब का सेकंड फॉर्म है इसको पैसिव जब बनाएंगे तो पैसिव में हमें क्या ढूंढना होगा पैसिव में हमें ढूंढना होगा वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म अर्थात तो वर्ब मेुफैक्चर्ड क्या मिलेगा वर्ब मनुफैक्चर्ड देखिए वर्ब मैनुफैक्चर्ड नहीं है वर्ब मैनुफैक्चर्ड नहीं है यहाँ वर्ब मैनुफेक्चर्ड यहाँ वर्ब मैनुफैक्चर्ड ठीक है, है अब आ जाइए जरा हम लोग चेक करें इसमें कि दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है यहाँ पे देखिये दोज रोबोट यहाँ पे दो दीज रोबोट अच्छा यहाँ पे देखिए अब हम देखें कि हमारा ऑब्जेक्ट जो लिखा हुआ था उसमें दीज था ये दोज था ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ था दोस्त तो हम इसको दीज में कन्वर्ट नहीं कर सकते ठीक है तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए क्लियर चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं चलिए इस क्वेश्चन को बनाए थोड़ा सा मजा आएगा ये थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है ये देखिए लास्ट ये हमारा मेन वर्ब ये वर्ब का कौन सा फॉर्म सेकंड फॉर्म ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट ठीक है रेंस लास्ट दिल्ली ही ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट ठीक है दिल्ली एंड ब्रॉट द टेम्परेचर डाउन बाय अ फ्यू डिग्रीज ठीक है अब देखिए दिल्ली क्या है भाई तो दिल्ली है प्रॉपर नाउन प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन को मानते हैं सिंगुलर वॉब देते हैं सिंगुलर प्रॉपर प्रॉपर नाउन को क्या मानते हैं सिंगुलर वॉव कैसा देते हैं सिंगुलर ठीक है चलिए अब इसके साथ हमें पैसे में क्या मिलेगा तो पैसे में हमें यूज करना होगा वॉज लैस्ट क्या यूज करना होगा वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाइए चेक करना शुरू करें ये देखिए वॉज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म वॉज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं मिला इस बिंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म मिला यह कैंसिल हो गया वॉच प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं मिला ये भी कैंसिल वॉज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं मिला ये भी कैंसिल चार में एक ही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी अब आप यहां पे देख पा रहे हैं जैसा कि हमने आपको वॉइस के सेकंड पार्ट में भी बताया था बड़े से बड़ा क्वेश्चन हो उसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है उसको देख आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती है सिंपली आपको ऐसे बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है तो सबसे पहले जब भी कभी एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव अर्थात तो जब भी कभी किसी भी क्वेश्चन का वॉइस हम लोगों

तो अब सिंपली आप उस वर्ब को चेक कर लीजिए क्योंकि हमने आपको वॉइस के पार्ट वन में ही बताया था सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव नहीं बनता है किसी भी सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव नहीं बनता एक्टिव से पैसिव किसका बनाया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ वर्ब का बनाया जाता है किसका बनाते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस किसका चेंज होता है तो सिर्फ वर्ब का चेंज होता है बात समझ में आ रही है ठीक है तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बना ऑप्शन नंबर डी इसी तरीके से आपको बड़ा से बड़ा क्वेश्चन कहीं भी गिवन हो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन का आंसर आसानी से कर सकते हैं ठीक है चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं हम लोग ये सब काफी छोटे क्वेश्चन हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोगों को बनाने की जरूरत है क्योंकि इसमें आपको कंफ्यूजन है क्या कंफ्यूजन है भाई ये देखिए हम जब आपको वॉइस के पार्ट वन में पढ़ा रहे थे तो वॉइस के पार्ट वन में हमने आपको बताया था कि इन ट्रांजिटिव वर्ब का एक्टिव से पैसिव नहीं बनता इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता इन ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी नहीं आता है ठीक है ऑब्जेक्ट ही नहीं आता है आप ऑब्जेक्ट नहीं लिख सकते इसलिए इन ट्रांजिटिव वर्ब वाले इन इंट्रांजिटिव वाले सेंटेंस का जो वर्ब होता है उसका एक्टिव से पैसिव नहीं बनता बात समझ में आई फिर उसके आगे वहीं पे तुरंत बाद हमने आपको बताया था कि दुनिया के सारे के सारे एन ट्रांजेटिव को ट्रांजिटिव बना लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्रेपोजिशन विद द हेल्प ऑफ प्रेपोजिशन अर्थात दुनिया का कोई भी एन वर्ब हो दुनिया का कोई भी इन वर्ब हो उसको एक्टिव से पैसे बनाया जा सकता है उसके लिए सबसे पहला एक कंडीशन होता है कि आप प्रेपोजिशन का यूज़ कीजिए और प्रेपोजिशन की मदद मतलब से उस एन को ट्रांजिटिव में कन्वर्ट कर दीजिए जैसे ही वो इन ट्रांजेटिव इन ट्रांजिटिव से ट्रांजेटिव में कन्वर्ट होगा अब उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं और जैसे ही उसके बाद ऑब्जेक्ट आप लिखेंगे उसका एक्टिव से पैसिव संभव है बात समझ में आ गई इन द सेम वे वही बात यहाँ पे ये देखिए ये लाफ इसके बारे में हमने आपको वॉइस के पार्ट वन में इसी को लेकर के चर्चा किया था ये सबसे पहले क्या है तो ये हमारा मेन ये हमारा सब्जेक्ट ये हमारा ऑब्जेक्ट ठीक है बात समझ में आ रही है द कॉमेडियन क्या है ये हमारा ऑब्जेक्ट अब यहाँ आप ध्यान दीजिए लाफ के साथ इस प्रीपोजिशन एट का यूज किया गया और लाफ क्या था एन ट्रांटिव वर्ब था एन ट्रांजिटिव के साथ इस प्रीपोजिशन का यूज़ करके ये जो इंट्रांजिटिव वर्ब लाफ था इसको बना लिया गया ट्रांजिटिव क्या बना लिया गया ट्रांजिटिव और अब जब इसका ट्रांजिटिव बन गया तो आप ध्यान दीजिए हमने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि आप इस प्रीपोजिशन को चेंज नहीं कर सकते और ना ही इस प्रीपोजिशन को आप रिमूव कर सकते हैं हटा सकते हैं मिटा सकते हैं ठीक है यदि आप इसको चेंज करेंगे या यदि आप इसको हटाएंगे मिटाएंगे तो जैसे ही आप इसको यहाँ से रिमूव करेंगे ये फिर से ट्रांजिटिव से कन्वर्ट हो जाएगा इन ट्रांजिटिव में और इन ट्रांजिटिव हो जाएगा तो उसका पैसे फिर से पॉसिबल नहीं बात समझ में आ रही है चलिए यहाँ पे अब हम लोग देखें इसका आंसर हमारा क्या बनेगा सबसे पहले ये लाभ क्या है तो ये वर्क का सेकंड फॉर्म और ये कॉमेडियन कैसा है कॉमेडियन है सिंगुलर कॉमेडियन सिंगुलर है तो पैसे में हम क्या चेक करेंगे पैसे में चेक करेंगे वॉज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या चेक करेंगे वॉज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म अब <coughs> अब आइए जरा हम लोग चेक करना शुरू करें वॉज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म तो वॉच प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है क्या नहीं है वॉज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म मिला ये देखिए एट है और यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या लग रहा है बाई लग रहा है ठीक है तो ये तो हम लोग लगाते हैं वॉज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म देखिए एट है भी है और बाई भी है ठीक है वॉच प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है नहीं है तो ये कैंसिल ये कैंसिल ठीक है अब इन्हीं दोनों में से कोई एक हमारा आंसर बनेगा अब आइए जरा हम चेक करें कि हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था सब्जेक्ट था द ऑडियंस यहाँ पे क्या लिखा हुआ एवरी तो ऑप्शन नंबर सी कैंसिल हो गया यहाँ पे देखिए सेम सब्जेक्ट एक्टिव का जो सब्जेक्ट था यहाँ पे पैसिव का ऑब्जेक्ट बना हुआ है तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया हमारा करेक्ट आंसर क्या बना ऑप्शन नंबर बी ठीक है नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखिए काफ़ी छोटा सा है अब आइए इसको भी हम लोग थोड़ा सा बनाते चले यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है ये रिफ्यूज़ ये क्या है ये मेन वर्ब ये है वॉब का सेकंड फॉर्म ये सब्जेक्ट और ये क्या है ऑब्जेक्ट है अब देम कैसा होता है तो देम होता है प्लूरल देम कैसा होता है प्लूरल तो उसके साथ पैसे में हम लोग क्या यूज़ करेंगे वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म अब ये देखिए सभी के सब्जेक्ट क्या है दे हैं ठीक है, है? यहाँ देखिए वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है नहीं है वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है नहीं है यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म दोनों दिया हुआ है अब ये देखिए डोनेशन ये जो ऊपर लिखा हुआ था ये कॉपी हो गया इसके बाद ये देखिए बाह हिम यहाँ पे बाह हिम नहीं है तो ये गलत हो गया क्योंकि सब्जेक्ट क्या था ही था पैसे बनाएंगे तो उसका ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे ही का हिम लिखेंगे और उसके पहले हम लोग बाई लगाते हैं तो बाई लगा हुआ है आंसर क्या बना आंसर बन गया हमारा ऑप्शन नंबर सी ठीक है बात समझ में आ रही है इसी तरीके से आप इन सारे क्वेश्चंस के एक्टिव से पैसे बना सकते हैं चलिए कोई और बड़ा सा क्वेश्चन हम लोग ढूंढने का प्रयास करते हैं नहीं मिल रहा है नहीं मिल रहा है तो यूं ही लगता है कि हम लोगों को काम चलाना पड़ेगा ये मिला एक बड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए ये दे द जैपनीज एम्पेयर यहाँ पे जैपनीज एम्पेयर का नाम दिया हुआ है तो हमें उससे कोई मतलब होता नहीं है हमने आपको पहले से बता रखा है आपको सबसे पहले क्या ढूंढना है तो मेन वर्ब ढूंढना है इसका वर्ब का फॉर्म चेक करना ये हो गया हमारा मेन वर्ब ये पूरा का पूरा क्या हो गया ये पूरा का पूरा हो गया सब्जेक्ट और ये पूरा का पूरा क्या हो गया तो ये पूरा का पूरा हो गया ऑब्जेक्ट ठीक है इनसे हम लोगों को, को कोई मतलब नहीं होता है ठीक है अब चलिए इसका जब हम एक्टिव से पैसे बनाएंगे तो इस वर्ब एबडिकेटेड का हम जब एक्टिव से पैसे बनाएंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट कैसा ऑब्जेक्ट है सिंगुलर तो सॉरी इसके पैसे में हम क्या चेक करेंगे तो हम चेक करेंगे वॉज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हमें चाहिए वॉज एपडिकेटेड क्या चाहिए वॉज एपडिकेटेड चलिए ढूंढना शुरू करें इज एपडिकेटेड कैंसल हैज एपडिकेटेड कैंसल वॉज एपडिकेटेड ये हो सकता है वॉज एफ ये हो सकता है ठीक है अब जरा देखिए इसमें बाई के बाद इसमें थर्ड वाले ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी में बाई के बाद यहाँ जो ऑब्जेक्ट था वही ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिख दिया गया तो ये तो ऑप्शन हमारा ऑलरेडी हो गया कैंसल अब यहाँ देखिए ये जो ऑब्जेक्ट था ये पैसिव का सब्जेक्ट बनता है ये पैसिव का सब्जेक्ट बन गया और यहाँ जो सब्जेक्ट था ये पैसिव का ऑब्जेक्ट बनता है ये ऑब्जेक्ट बन गया हमारा आंसर क्या बना आंसर बना हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर क्या बना आंसर बना ऑप्शन नंबर डी ठीक है बात समझ में आ रही है इसी तरीके से आपको अप्रोच लेके अपने एग्जाम के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने होते हैं ठीक है चलिए तो एक और कोई बड़ा सा क्वेश्चन मिल जाए तो थोड़ा मज़ा आए तो बहुत बड़ा क्वेश्चन तो हम लोगों को नहीं दिख रहा ये थोड़ा सा क्वेश्चन ठीक ठाक है चलिए इसको हम लोग ट्राई करते हैं देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप मेन वर्ब को पकड़िए तो मेन वर्ब क्या है आपका सोल ठीक है और देखिए मेन वर्ब के पहले क्या लगा हुआ है वर लगा हुआ है वर लगा हुआ है मतलब क्या है याद कीजिए हमने आपको वॉइस के फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था इस एम आर के साथ सा वर्ब का थर्ड फॉर्म आए तो पैसिब वॉज वर्ग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आए तो पैसिब बी बिंग बिन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आए तो पैसिब और इन सारी बातों को हमने आपको वॉइस पार्ट टू में भी रिपीट किया था ठीक है अब देखिए इसी को नट सेल में हमने आपको बताया था वाइस के पार्ट वन में है कि बी, ए बी का जो फॉर्म होता है बीई बी के साथ बीई बी के जितने भी फॉर्म होते हैं उनमें से किसी के साथ यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखाई दे तो वो सेंटेंस कहाँ चला जाता है वो चला जाता है पैसिव में कहा चला जाता है तो वो चला जाता है पैसिव में ये बात याद कीजिए हमने आपको बताई थी अब आइए उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देखिए ये वॉज वर् प्लस ये क्या है तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म वॉज वर्ग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है अर्थात ये वर्ब कैसा है तो ये वर्ब हो गया हमारा पैसिव अब इसका एक्टिव बनाना होगा क्या बनाना होगा एक्टिव बनाना होगा ठीक है अब देखिए ये है सोल्ड क्या था तो सोल्ड था हमारा मेन वर्ब। सोल्ड क्या था हमारा मेन वर्ब। पैसिव का ये सब्जेक्ट है पैसिव का ये ऑब्जेक्ट है ठीक है पैसिव का ये ऑब्जेक्ट है टू द मास टू द टू द मासेस बाय पेरी ठीक है चलिए अब इसका जरा एक्टिव से पैसिव बना सॉरी पैसिव से एक्टिव बनाए तो पैसिव से एक्टिव इसका क्या बनेगा वॉज वर्ग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म किसका होता है तो ये होता है प्रेजेंट इन डिफरेंट का अब जब इसका हम लोग एक्टिव बनाएंगे तो वहां पे क्या यूज करेंगे वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे कौन सा फॉर्म यूज करेंगे वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे अब आइए जरा हम इसमें देखते चले वर्ब का सेकंड फॉर्म कहाँ यूज किया गया ये देखिए हैड सोल्ड कैंसल है भी कैंसल ये भी कैंसल एक ही बचा सोल्ड आंसर बन गया हमारा ऑप्शन नंबर ए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको न तो एक्टिव पैसिव को पहचानने में दिक्कत हुई और न ही सेंटेंस के टेंस को पहचानने में दिक्कत हुई इसी तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में गिवेन होता है जिसकी चर्चा हमने आपको वॉइस पार्ट वन और पार्ट टू दोनों में करी थी यहाँ पे उस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन भी दिखाई दे रहा है क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन में क्लियर कट लिखा होता है चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग या चेंज एक्टिव ऑब्लिक पैसिव इन टू पैसिव ऑब्लिक एक्टिव यदि एक्टिव है तो पैसिव में चेंज कीजिए पैसिव है तो एक्टिव में चेंज कीजिए क्लियर बात समझ में आ गई चलिए कुछ और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करें देखें क्या कुछ और क्वेश्चन है बाकी सारे क्वेश्चन हमें कौन से टेंस में मिल रहे बाकी सब एक्टिव में ही मिल रहे हैं कुछ और एक दो पैसिव का मिल जाए तो थोड़ा सा बेहतर होता थोड़ा ज़्यादा मजा आता हम सबों को ये सब वही है चलिए यहाँ से हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं यहाँ पे देखिए ड्रोव चलिए ये ड्रोव क्या है भाई तो ये वोब का सेकंड फॉर्म ये हमारा मेन वोब ये हमारा सब्जेक्ट ये हमारा ऑब्जेक्ट ठीक है द कार क्या हो गया तो कार हो गया ऑब्जेक्ट ठीक है चलिए अब इसका हम लोग पैसे बनाएंगे तो ड्रोव का क्या बनेगा सबसे पहले कार कैसा है सिंगुलर है तो पैसे में हमें क्या चेक करना होगा पैसे में हमें चेक करना होगा वॉज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म वॉज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ठीक है तो ड्राइव ड्रोव ड्रिवन ड्राइव ड्रोव ड्रिवन ठीक है तो हमें पैसे में क्या चेंज कर चेक करना होगा पैसे में हमें चेक करना होगा वॉज प्लस ड्रिवेन वॉज प्लस ड्रिवेन अब ये देखिए वॉज ड्रिवेन मिला ये हो सकता है वॉज ड्रिवेन है नहीं है वॉज ड्रिवेन है नहीं है वॉज ड्रिवेन है? है. है नहीं है तो एक ही आंसर है वॉज ड्रिवन का सीधा आंसर ऑप्शन नंबर ए सीधा आंसर क्या बनेगा ऑप्शन नंबर ए क्लियर नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ते हैं चलते हैं यहाँ पे हम लोग अरविंद डिलीवर द पैकेट एट द एड्रेस गिवन बाय आशा ठीक है अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में यहाँ पे बाय लगा हुआ और जैसे ही हम में से ज़्यादातर तो लोग बाय देखते हैं तो हमने आपको वॉइस के पार्ट वन में बताया था कहीं भी हम लोग बाई देखते हैं तो हमारा आपका जो बचपन से एक माइंडसेट बना हुआ है माइंडसेट ये कहता है कि बाई का मतलब पैसे पैसे का मतलब बाई बाई भा मतलब पैसे पैसे मतलब बाई अब यहाँ पे जैसे ही आप देखते हैं बाई आपके मन में एक ख्याल आता है लगता है कि ये सेंटेंस शायद पैसिव में है ठीक है तो इसके लिए हमने आपको पहले से बता रखा है एक्टिव में है यह पैसिव है कैसे चेक करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या पकड़ना है सबसे पहले पकड़ना है मेन वॉ फिर क्या पकड़ना है सब्जेक्ट फिर क्या पकड़ना है ऑब्जेक्ट अब ये देखिए ये वर्ब क्या है ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है सेकेंड फॉर्म है अब आप इसमें सिंपली चेक कीजिए बी ई बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है क्या बी ई बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म अर्थात ये मार प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है नहीं है वॉज वर्क प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है नहीं है बी बिंग और बिन इन तीनों में से किसी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है नहीं है नहीं है तो ये सेंटेंस पैसिव में नहीं है ये सेंटेंस एक्टिव में है बात समझ में आ गई अब जब ये एक्टिव में है तो हम लोग क्या करेंगे इसका पैसे बनाएंगे पैसे बनाएंगे तो सिंपली ऑब्जेक्ट को देख लीजिए ऑब्जेक्ट कैसा है सिंगुलर तो इसके साथ क्या यूज़ करेंगे वॉज तो पैसे में हमें ऑप्शन में चेक क्या करना होगा ऑप्शन में मुझे चेक करना होगा वॉज डिलीवर्ड क्या यूज़ करना होगा वॉज डिलीवर्ड को चेक करना होगा ठीक है तो आइए हम लोग वॉज डिलीवर्ड को चेक करना शुरू करें यहाँ पे वॉज डिलीवर्ड ये हो सकता है वॉज बिंग डिलीवर्ड ये कैंसल वॉज डिलीवर्ड है नहीं है वॉज डिलीवर्ड है नहीं है एक ही ऑप्शन में वॉज डिलीवर्ड है ऑप्शन नंबर ए हमारा सीधा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए कुछ भी ज़्यादा दिमाग लगाने की मेहनत करने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है ठीक है तो अब इसके बाद हम लोग पास्ट एंड से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं और पास्ट इंड के आगे चलते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट की तरफ अब आते हैं हम लोग पास्ट कंटिन्यूस में कहाँ पे आते हैं पास्ट कंटिन्यूस में आते हैं देखिए पास्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर एक्टिव में क्या होता है तो इसका स्ट्रक्चर होता है वॉज वर वॉज वर कहाँ होता है एक्टिव में वॉज़ वर प्लस वर्क की फोर्थ फॉर्म इसको हम लोग जब पैसे में कन्वर्ट करते हैं ये एक्टिव में होता है इसका जब पैसे बनाते हैं तो पैसे में हम लोग क्या यूज करते हैं पैसे में हम लोग यूज करते हैं वॉज वर प्लस बिंग वॉज वर प्लस बिंग प्लस, प्लस वर्व की थर्ड फॉर्म वॉज वर प्लस बिंग प्लस वर्व की थर्ड फॉर्म देखिए किसी भी कंटिन्यूस का किसी भी कंटिन्यूस का जब भी कभी आप एक्टिव से पैसे बनाते हैं किसी भी कंटिन्यूस का जब भी कभी आप एक्टिव से पैसे बनाते हैं तो वहां पे कंटिन्यूस के एक्टिव से पैसे में आपको एक अलग से वर्ब यूज करना होता है बिंग क्या यूज़ करना होता है तो आपको यूज करना होता है ये वर्ब बिंग ठीक है बात समझ में आ रही है तो आइए अब इस कॉन्सेप्ट का यूज करके यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है इनका हम लोग एक्टिव से पैसे बनाते हैं फिर यहाँ से आगे निकलते हैं सबसे पहले ये क्या है तो ये हमारा मेन वर्ब ये क्या है तो ये हमारा मेन वर्ब ठीक है ये क्या है तो ये हमारा मेन वर्ब ठीक है अब इस मेन वर्ब के आगे हम लोग चलते हैं और मेन वर्ब के आगे कुछ पढ़ना शुरू करते हैं यह है हमारा मेन वर्ब ठीक है अब देखिए ये हमारा हेल्पिंग वर्ब ये हमारा सब्जेक्ट ये हमारा ऑब्जेक्ट ठीक है तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज करेगा एक दूसरे से हो गया कॉफी अब कॉफी कैसा है सिंगुलर है तो हम लोग क्या यूज करेंगे पैसिव में यूज करेंगे वॉज अब बाय का थर्ड फॉर्म क्या होता है सॉरी इसके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे बिंग बिंग बाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है बॉट अब बॉट by गर्ल्स बॉट by गर्ल्स बॉट by गर्ल्स ठीक है बात समझ में आ गई नेक्स्ट अब जो दूसरा क्वेश्चन है आइए उसका एक्टिव से पैसिव हम लोग यहां पे बनाते चले सबसे पहले ये क्या है सॉरी सबसे पहले ये क्या है तो ये हमारा मेन वर्ब ठीक है ये क्या है हेल्पिंग वर्ब वर्ब के साथ का फोर्थ फॉर्म लगा हुआ है अर्थात ये सेंटेंस कहाँ पे है तो इसका टेंस हो गया पास्ट में कैसे आइए इसको हम एक बार फिर से आपको पहचानना सिखाते चले सबसे पहले वॉज वर्ब क्या होता है तो ये होता है वर्ब का सेकेंड फॉर्म वॉज वो, वो, का सॉरी फिर से फिर से हम आपको यहां पे सिखाते चले वॉज वर्ब क्या होता है तो ये होता है वर्ब का सेकेंड फॉर्म ये कौन सा फॉर्म है तो ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म और हमने आपको जब टेंस पहचानना सिखाया था तो वहाँ पे हमने आपको बताया था ये सेकंड फॉर्म के कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं तो इसका टेंस हम लोग बताएंगे पास्ट और ये फोर्थ फॉर्म को हम लोग में बताते हैं तो इसको हम लोग बताते हैं कंटिन्यूस तो इसका टेंस क्या हो गया तो इसका टेंस हो गया पास्ट कंटिन्यूस ठीक है और भी ऐसे बहुत सारे टेंसेस या जितने भी आपके टेंसेस होते हैं सबको पहचानने के लिए आप हमारे टेंस पार्ट वन को जरूर से देख सकते हैं वॉइस पार्ट वन को भी देख सकते हैं वॉइस पार्ट वन में भी इन अ ब्रीफ हमने आपको उसको समझाने का प्रयास किया था ठीक है तो इसका टेंस क्या हो गया पास्ट कंटिन्यूअस हो गया हमारा मेन वर्ब क्या है ये सॉल्विंग ये है हमारा सब्जेक्ट ये हमारा ऑब्जेक्ट ठीक है ऑब्जेक्ट कैसा है सिंगुलर है तो चलिए अब इसका जरा हम लोग एक्टिव से पैसे बना लें क्या बनेगा सम वॉज बिंग सम वॉज बिंग सॉल्व सम वॉज बिंग सोल्व सॉल्ड बाई हेम ठीक है बात समझ में आ गई अब आइए इन पर बेस्ड हम लोग कुछ एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को यहाँ पे बनाते चले ये देखिए आपके सी एच एस एल ट्वेंटी ट्वेंटी में पूछा गया क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन काफी बड़ा सा दिखाई दे रहा है क्वेश्चन कैसा दिखाई दे रहा है काफी बड़ा सा दिखाई दे रहा है अब इसके सबसे पहले हम लोग टेंस को यहाँ पे पहचाने किसको पहचाने तो इसके टेंस को सबसे पहले हम लोग पहचाने अब इसका टेंस देखिए जरा क्या है यहां पे देखिए ये क्या है ये हमारा मेन वर्ब इसका टेंस देखिए कौन सा फॉर्म है ये वर्ब का सेकंड फॉर्म वर्ब का सेकंड फॉर्म है अर्थात ये पास्ट एंड डिफरेंट में, में तो इस तरीके से आपको कंफ्यूज किया जा सकता है इस तरीके से आप कंफ्यूज होते हुए नजर आते हैं ठीक है थीके? तो आपके अंदर अपने आप के ऊपर आपके अंदर खुद के ऊपर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम जो बना रहे हैं वो सही है हमारा जो अप्रोच है वो सही है ठीक है आप सेंटेंस को देख के ही पहचान सकते हैं कि इसका टेंस क्या है भाई तो इसका टेंस है पास्ट एंड डिफरेंट है तो पास्ट एंड डिफरेंट की चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं इसलिए अभी हम लोग इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे अभी हम लोग इस पर चर्चा करने जा रहे हैं तो अभी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यू उस पर यहाँ पे आ जाइए देखिए इस सेंटेंस में जरा देखिए इस सेंटेंस में हमारा मेन वर्ब क्या है तो यहां पे इस सेंटेंस में हमारा मेन वर्ब है हेल्पिंग, ठीक है? अब ये देखिए ये हमारा सब्जेक्ट ये हमारा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसा है प्लूरल है तो इसका जब हम पैसे बनाएंगे तो पैसे में हम क्या ढूंढेंगे देखिए हमने आपको बताया कि वॉज वर प्लस वर्ब का जो फोर्थ फॉर्म होता है ये कौन से टेंस में होता है तो ये होता है पास्ट में पास्ट कंटिन्यूस का जब हम लोग एक्टिव से पैसे बनाते हैं तो इसको किस में कन्वर्ट करते हैं वॉज वर प्लस बिंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में तो चूंकि ऑब्जेक्ट है प्लूरल हम लोग यूज़ करेंगे वर्क का ठीक है तो हमारा आंसर क्या होगा पैसे में वर प्लस बिंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ठीक है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा हेल्प्ड वर बिंग हेल्प्ड आइए जरा चेक करें हम लोग कि कहाँ पे हमें वर बिंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखाई दे रहा है यहाँ पे देखिए है क्या नहीं है तो ये हो गया कैंसिल यहाँ पे देखिए है क्या वर बिंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ये हो सकता है यहाँ देखें वर बिंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है ये भी कैंसल वर बिंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है ये भी कैंसल एक ही ऑप्शन में ये हो गया हमारा आंसर ठीक है तो इस तरीके से आप अप्रोच लेके प्रेजेंट सॉरी पास्ट कंटिन्यूस के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ये देखिए ये क्वेश्चन आपको देखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा है अब इस क्वेश्चन का टेंशन है देखिए ये सारी बातें हमने जान पास्ट कंटिन्यूस में पास्ट एंड डिफरेंट को जान इंटेंशनली डाला हुआ है ताकि आप सभी बच्चों का कॉन्फिडेंस चेक किया जा सके कि इसके पहले जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा है पढ़ा है टेंस को पहचानना जो हम लोगों ने सीखा है क्या आप उसका यूज करके सेंटेंस के टेंस को पहचान पा रहे हैं या नहीं तो इसका टेंस क्या ये है हमारा मेन वॉब इसका टेंस कौन सा है वर्ब का सेकंड फॉर्म है सेकंड फॉर्म है ही है पास्ट एंड डिफरेंट तो पास्ट एंड डिफरेंट की चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं इसलिए अब हम लोग यहाँ पे एक भी दिमाग खर्चा नहीं करने जा रहे हैं हम लोग सिंपली कहाँ खर्च करेंगे अपने ब्रेन को तो यहाँ पे ये देखिए ये हमारा मेन वर्ब ये है वाह वॉज वर्ग वॉज वर्ग के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिखा हुआ है अर्थात ये इसका टेंस क्या हो गया इसका टेंस हो गया पास्ट कंटिन्यूअस अब ये हो गया हमारा सब्जेक्ट ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसा है सिंगुलर पैसे में हम क्या ढूंढेंगे तो पैसे में ढूंढेंगे व पैसे में हम ढूंढेंगे वॉज प्लस बिंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म वॉज प्लस बिंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आइए सिंपली हम लोग ढूंढना शुरू करें वॉज प्लस बिंग प्लस थर्ड फॉर्म नहीं है वॉज प्लस बिंग प्लस थर्ड फॉर्म नहीं है वॉज प्लस बिंग प्लस थर्ड फॉर्म नहीं है वॉज प्लस बिंग प्लस थर्ड फॉर्म है तो ये हो गया हमारा आंसर ठीक है तो ये एकदम छोटा सा क्वेश्चन था आइए हम लोग ढूंढे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन मिल जाए तो थोड़ा सा मजा आ जाए थोड़ा बड़ा क्वेश्चन मिले तो मजा चलिए ये कॉम्पेरेटिवली थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन चलिए इसको हम लोग बनाना शुरू करते हैं यहाँ पे यहाँ पे जरा देखिए ये हमारा मेन वर्ब है ये हमारा मेन वर्ब है ये वॉज वर्ग वॉज वर्क के साथ वर्क के आई एन जी फॉर्म अर्थात इसका टेंस क्या हो गया इसका टेंस हो गया पास्ट कंटिन्यू अब देखिए यहाँ पे इसका ये क्या है ये ऑब्जेक्ट है ग्रेन कैसा है प्लूरल है ठीक है ये सब्जेक्ट है अब आ जाइए जब इसके पैसे में हम जाएंगे तो पैसे में हम क्या ढूंढेंगे पैसे में हम ढूंढेंगे वर्ग प्लस बिंग प्लस वर्क का थर्ड फॉर्म वर प्लस बिंग प्लस वर्क का थर्ड फॉर्म आइए हम लोग ऑप्शन को चेक करना शुरू करें वर्ग प्लस बिंग का थर्ड वर्क प्लस बिंग प्लस वर्क का थर्ड फॉर्म नहीं है वर प्लस बिंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है वर प्लस बिंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म अवेलेबल है वर प्लस बिंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है चार में तीन ऑप्शन में नहीं है एक ही ऑप्शन में जिसमें है वो हो गया आंसर ठीक है चलिए आगे बढ़ें यहाँ पे देखें ये भी थोड़ा सा बड़ा टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है ये थोड़ा सा और बड़ा है तो आइए इस थोड़े से बड़े क्वेश्चन का मजा लें हम लोग यहाँ पे देखिए ये क्या है तो ये हमारा मेन वर्ब ये क्या है वॉज वॉर् वॉज वर्क के साथ क्या लगा हुआ है वर्ब क्या? के आई फॉर्म वॉज वर्क के साथ आई फॉर्म लगी हुई है और यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट क्या है तो ऑब्जेक्ट है कार ऑब्जेक्ट कैसा है सिंगुलर है तो हम पैसे में जाएंगे तो क्या चेक करेंगे पैसे में चेक करेंगे वॉज प्लस बिंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाइए सिंपली हम लोग लो वर्ब का फॉर्म चेक करते चले वॉज प्लस बिंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है क्या नहीं है नहीं है तो ये कैंसल वॉज प्लस बिंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे है यहाँ देखिए वॉज प्लस बिंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है वॉज प्लस बिंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है तो सिंपल सी बात है कि ए में नहीं है बी में नहीं है डी में नहीं है इसमें है जिसमें है वो हो गया आंसर जिसमें है वो हो गया हमारा आंसर बात समझ में आ रही है नेक्स्ट यहाँ से और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे देखें जरा हम लोग यहाँ पे भी छोटा सा क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट वही है वॉच वर्क प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ क्या दिखाई दे रहा है वॉज वर् प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट देखिए कैसा है सिंगुलर है तो हमें पैसे में क्या चेक करना होगा पैसे में चेक करना होगा वॉज प्लस बिंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म वॉच प्लस बिंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है क्या नहीं है वॉच प्लस बिंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है वॉच प्लस बिंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है वॉच प्लस बिंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं, नहीं है जिसमें है वो आंसर अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर बना ऑप्शन नंबर सी ठीक है तो कभी स्लो कभी फास्ट दोनों का हम लोग मजा ले लेते चले अब आइए इसके आगे हम लोगों को पढ़ना है पास्ट परफेक्ट क्या पढ़ना है तो अब हम लोगों को पढ़ना है पास्ट परफेक्ट अब पास्ट परफेक्ट में एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है भाई तो इसके एक्टिव स्ट्रक्चर की चर्चा हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा करते चले आपके साथ एक्टिव का इसका स्ट्रक्चर क्या होता है तो इसका एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म कहाँ होता है तो ये होता है एक्टिव में कहाँ होता है तो ये होता है एक्टिव में क्या है भाई हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ठीक है तो हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म कहा मिलेगा एक्टिव में मिलेगा तो यदि कहीं भी आपको हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखाई दे क्या दिखाई दे हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखाई दे तो ये होता है एक्टिव में इसको जब पैसे में बदलेंगे तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं हम लोग यूज़ करते हैं हेड विन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हैड विन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ये कहाँ यूज़ करते हैं ये यूज़ करते हैं पैसे में कहाँ यूज़ करते हैं तो इसको यूज़ करते हैं हम लोग पैसे में ठीक है चलिए अब इन कॉन्सेप्ट का यूज़ करके गिवेन कुछ क्वेश्चन का आंसर हम लोग बनाना शुरू करते हैं देखें हम लोगों से बन पाता है या नहीं बन पाता है ठीक है तो सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं इस लिफ्ट वाले क्वेश्चन में देखिए हमने आपको पहले से बता रखा है और हम इसको बार बार रिपीट कर रहे हैं आगे भी रिपीट करते रहेंगे ये है हमारा मेन वर्ब ये है हेड है हेड के साथ ये हमारा वर्ब का कौन सा फॉर्म हो गया थर्ड फॉर्म हो गया ठीक है अब इसके बारे में हमने आपको पिछले कई क्लासेस में बताया टेंस में भी बताया वॉइस में भी बताया ऐसे कुछ वर्ब होते हैं जिसके सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होते हैं ऐसे कुछ वर्ब होते हैं जिनके सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होते हैं ऐसे कुछ वर्ब होते हैं जिनके सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होते हैं यहाँ पे आप में से कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है इस कंफ्यूजन से बाहर कैसे आप निकलिएगा इसके रिगार्डिंग हमने आपको टेंस वाइज दोनों में बताया आज फिर यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं वन सगैन क्या है इसका कॉन्सेप्ट वाइस को जरा आप ठीक से समझिए हमने आपको इसके रिगार्डिंग बताया था कि ऐसा कोई भी वर्ब जिसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होता है तो आप कैसे पहचानेंगे कि कब ये सेकेंड फॉर्म में है कब ये थर्ड फॉर्म में है आप चेक कीजिए जहाँ पे भी ऐसा कोई भी वर्ब गिवन हो उसके ठीक पहले कोई हेल्पिंग वर्ब गिवन है या नहीं इसके ठीक पहले कोई हेल्पिंग वर्ब गिवन है या नहीं यदि इसके ठीक पहले कोई हेल्पिंग वर्ब गिवन है हेल्पिंग वॉप यदि प्रेजेंट है तो ये सेकंड फॉर्म नहीं होगा अब इसी को मानेंगे हम लोग थर्ड फॉर्म लेकिन यदि इनके ठीक पहले कोई कोई भी हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट नहीं हो तो इसको हम लोग थर्ड फॉर्म नहीं मानेंगे अब इसी को हम लोग मानते हैं सेकंड फॉर्म ठीक है और वर्ब के सेकंड फॉर्म का मतलब क्या है वर्ब के सेकंड फॉर्म का मतलब है कि उसका टेंस है पास्ट डिफरेंट और हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का मीनिंग क्या है हैज़ हैव हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का मीनिंग है कि वो है परफेक्ट में किस में है परफेक्ट में ही हमने आपको बार बार बताई है आज फिर से इसको हम यहाँ पे रिपीट कर दिए अब चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं इस गिवन क्वेश्चन का हम लोग एक्टिव से पैसे बनाना शुरू करते हैं तो आइए देखें हम लोग इसका एक्टिव से पैसिव क्या है सबसे पहले ये हो गया हमारा मेन वॉब ये हो गया हमारा हेड हेल्पिंग वॉब अब इसका टेंस क्या हो गया तो इसका टेंस हो गया पास परफेक्ट इसका ऑब्जेक्ट ये है इसका सब्जेक्ट ये है ऑब्जेक्ट कैसा है सिंगुलर है ऑब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लुरल है अब इसमें हमें सिंगुलर और प्लुरल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं होता इसमें सबके साथ हम लोग क्या यूज करते हैं हैड बिन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म तो इसका आंसर क्या बनेगा इसका आंसर बनेगा अ मीटिंग आंसर बनेगा अ मीटिंग हैड बिन कॉल्ड A A meeting had been called. A meeting had had been been called. called by by her. A meeting had been called by her. ठीक है अगले क्वेश्चन में चलते हैं देखिए अगले क्वेश्चन को हम लोग एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे तो सबसे पहले ये क्या ही है, ये हमारा, वो भी है हमारा सब्जेक्ट ही है हमारा ऑब्जेक्ट है अब सिंगुलर प्लूरल का कोई यहाँ पे लफड़ा बचता नहीं है अब इसका आंसर क्या बनेगा तो इसका आंसर बनेगा सी हैड बिन आंसर बनेगा सी हैड बिन सी हैड बिन Invited she had been invited by by you she had been invited by you. ठीक है चलिए तो यहाँ पे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को सीखा कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद हम लोग आते हैं प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए कुछ क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करते हैं देखिए ये सेंटेंस कितना बड़ा सा दिख रहा है भारी भरकम दिख रहा है और सेंटेंस चाहे जितना भी बड़ा हो जितना भी आपको भारी भरकम लगता हो उसको बनाना वैसे ही है उसका केवल क्लू पकड़ना है क्या पकड़ना है तो सबसे पहले मेन वर्ब पकड़ना है मेन वर्ब का फॉर्म चेक करना है मेन वर्ब का टेंस चेक करना है और सिंपली मेन बॉब को एक्टिव से पैसे में कन्वर्ट कर देना है सेंटेंस का एक्टिव से पैसे बन जाता है ठीक है चलिए तो फिर से आइए अब यहाँ पे फिर से हम आपको गेम खेलना सिखाइए देखिए हेड हेड के साथ ये क्या है तो ये है हमारा मेन बॉब यही है वर्ब का थर्ड फॉर्म ठीक है तो हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म अर्थात इसका टेंस कहाँ चला गया तो इसका टेंस चला गया पास्ट परफेक्ट में किस में चला गया पास्ट परफेक्ट में चला गया अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है भाई तो ऑब्जेक्ट है तो के ये क्या है ऑब्जेक्ट है ये क्या है सब्जेक्ट है ठीक है अब जब इसका एक्टिव से पैसिव हम लोग बनाएंगे तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इसके एक्टिव से पैसिव में हम लोग यूज करेंगे हैड बिन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म अर्थात हैड बिन ऑलरेडी प्रूव्ड ठीक है चलिए हम लोग ढूंढना शुरू करें हैड बिन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ है क्या बिन प्लस वॉब का थर्ड फॉर्म है नहीं है कैंसल बिन प्लस वॉब का थर्ड फॉर्म है नहीं है कैंसल हैड बिन प्लस वॉब का थर्ड फॉर्म दिख रहा है नीचे वाले में हैड बिन प्लस वॉब का थर्ड फॉर्म है क्या नहीं है नहीं है तो ये भी कैंसल यहाँ देखिए यहाँ पे हेड लगा हुआ है ये हेड लगा हुआ है ये देखिए ऑलरेडी प्रूव्ड इसमें भी है, हैड बिन प्लस वफ का थर्ड फॉर्म नहीं दिख रहा है हेड बिन प्लस वब का थर्ड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ एक सेंटेंस में दिख रहा है कौन से सेंटेंस में ऑप्शन नंबर सी में तो आंसर हमारा क्या बनेगा देखिए ये क्वेश्चन कितना बड़ा सा था इसके ऑप्शन भी ऐसे ही बड़े बड़े से लिखे गए हैं और ऐसे बड़े बड़े से क्वेश्चन को देख के हमें से ऐसे छात्र या विशेष रूप से हमें से ऐसे छात्र जिनकी इंग्लिश वीक होती है ऐसे छात्र तो नर्वस होते ही हैं तो हम आपको बताते चले कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो या आपकी इंग्लिश वीक हो आपको ज़रा सा भी घबराने की जरूरत नहीं है हम जिस प्रकार से अप्रोच लेके जिस प्रकार से अटेम्प्ट करके क्वेश्चन को यहाँ पे आपके सामने सॉल्व करके दिखा रहे हैं ये सेम पैटर्न आपको फॉलो करना है अपने एग्जाम में कहाँ पर अपने एग्जाम में ठीक है चलिए तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन का मजा लेते हुए हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं कुछ और नए क्वेश्चन को ढूंढते हैं उनका मजा भी लेना सीखे हम लोग तो अभी तक देखिए हम लोगों ने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें कहीं नॉट लगा हुआ दिखाई नहीं दे रहा था तो आप में से कई ऐसे बच्चे होते हैं जो क्लू ढूंढते रहते हैं सर क्या नहीं बता रहे हैं सर क्या नहीं बता रहे हैं अब देखिए ये क्वेश्चन भी मिल गया तो आइए अब इसका भी मजा लेते हैं हम लोग ये देखिए हैड ये बिन और ये वो का थर्ड फॉर्म अब देखिए ये हैड है, हैड के कारण ये सबसे पहले हेड कौन सा फॉर्म में है सबसे पहले ये हेड आपको दिखाई दिया तो आप याद कीजिए हमने आपको पहले से बता रखा है क्या बताया भाई तो हमने आपको पहले से बता रखा है कि ये जो हैव है इसका सेकेंड फॉर्म होता है हेड थर्ड फॉर्म भी होता है हेड फिर फोर्थ फॉर्म होता है हैविंग और फिफ्थ फॉर्म होता है has. ऐसा, हम सम, ऐसा हम सब ऐसा हम सबों ने पढ़ा है पिछले टेंस में और वॉइस में भी ठीक है चलिए तो यहाँ पे देखिए ये हैड है इसका टेंस क्या हो सकता है भाई तो इसका टेंस हो गया ये कौन सा फॉर्म है इसके पहले चेक कीजिए कोई हेल्पिंग व्या है क्या नहीं है नहीं है तो इसका टेंस क्या हो गया पास देखिए यहाँ पे टेंस टेंसान भी हम आपको रिवाइज करवा दे रहे हैं अब ये देखिए ये बिन बिन कौन सा फॉर्म है तो बी वॉस बिन ये है वर्ब का थर्ड फॉर्म ये कौन सा वर्ब का थर्ड फॉर्म ये कौन सा ये भी वर्ब का थर्ड फॉर्म ठीक है अब जरा आप ध्यान दीजिए तो सबसे पहले ये बिन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखाई दिया तो हैव फैमिली के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखाई दे

इसका फॉर्मेट चला जाता है पैसे में कहाँ चला गया ये तो ये हो गया पैसे में ठीक है अब देखिए इसमें नॉट भी मिल गया ये पैसे में भी चला गया तो अब हमें इसको किस में कन्वर्ट करना होगा एक्टिव में कन्वर्ट करना होगा तो इसका जब एक्टिव बनाएंगे तो एक्टिव में हमें क्या ढूंढना होगा हैड नॉट पेंटेड क्या ढूंढना होगा हैड नॉट पेंटेड ठीक है हैड नॉट पेंटेड ठीक है बात समझ में आ रही है और ये देखिए ये पैसिव का ऑब्जेक्ट है ये पैसिव का ऑब्जेक्ट है एक्टिव में कन्वर्ट करेंगे तो एक्टिव का ये सब्जेक्ट बनेगा अब ये सब्जेक्ट कैसा है सिंगुलर है तो चूंकि यहाँ पे हैड की चर्चा हो रही है पास परफेक्ट की चर्चा हो रही है इसमें हमें सिंगुलर और प्लुरल ऑब्जेक्ट से या सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं होता है तो चलिए सिंपली हम लोग वॉक को ढूंढना शुरू करें हैड नॉट पेंटेड हैड नॉट पेंटेड है क्या नहीं है हैड नॉट पेंटेड है क्या नहीं है ये देखिए नॉट हैड पेंटेड आ गया ये कैंसल हैड नॉट पेंटेड है क्या यहाँ पे मिला इसमें देखिए हैड नॉट पेंटेड है क्या नहीं है अर्थात हमारा आंसर क्या बनेगा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी क्या बनेगा आंसर आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी ठीक है तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कितने आसानी से कितना मजा लेते हुए क्वेश्चन का ही हम लोग यहाँ पे मजा ले रहे हैं ठीक है ये बड़े अच्छी बात है ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग सीख भी रहे हैं और क्वेश्चन का मज़ा भी ले रहे हैं ठीक है ये क्वेश्चन काफी छोटा सा है इसको स्किप किया जाए ये थोड़ा सा बड़ा है कॉम्पेटिवली आइए इसके टेंस को चेक करें सबसे पहले यही हम आपको बता रहे थे और इसी के लिए हम आपको बार बार बोल रहे हैं वॉइस पार्ट वन से अभी तक वाइस के पार्ट थर्ड तक हम आपको बार बार रिपीट कर रहे हैं यदि आपने टेंस को नहीं देखा है तो प्लीज आप उसको देख लीजिए टेंस आपका जितना अच्छा रहेगा वॉइस के क्वेश्चन को पकड़ना बनाना उतना ही कॉम्पेटिवली ईजी रहेगा ठीक है अब आइए यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है ये हैड बिन और ये लेड है इसमें हमारा मेन वर्ब क्या है ये है लेड ठीक है अब ये देखिए ये हैड है और ये बिन अब सबसे पहले हैड क्या है वर्ब का सेकंड फॉर्म ये क्या है वर्ब का थर्ड फॉर्म ये क्या है वर्ब का थर्ड फॉर्म सेकेंड फॉर्म में है तो सबसे पहले ये देखिए हेड के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब है क्या नहीं है तो अर्थात ये कौन से फॉर्म है सेकेंड फॉर्म सेकंड फॉर्म है इसलिए इसका टेंस क्या बोलेंगे हम पास्ट और इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है इसलिए इसके इसको हम क्या बताएंगे तो इसको हम बताएंगे परफेक्ट और ये बिन के साथ जो लेट लगा हुआ है बिन के साथ जो वर्ब के थर्ड फॉर्म लगी हुई है इसके कारण हम लोग इसको क्या बताएंगे तो इसके कारण हम लोग इसको कहेंगे कि ये पैसे में अर्थात कि जो गिवन सेंटेंस है वो है पैसिव में अब जब वो पैसिव में है तो किस में कन्वर्ट करना होगा एक्टिव में अब जब इसका एक्टिव बनाएंगे तो हम क्या यूज़ करेंगे हेडलेड यूज़ करेंगे क्या यूज़ करेंगे हेडलेड आ जाइए चेक करें हेडलेड है क्या नहीं है हैडलेड है हाँ है हेडलेड है नहीं है इसमें देखिए हैडलेड है नहीं है तो ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल एक ही ऑप्शन बचा ऑप्शन नंबर बी ठीक है देखिए कितना मज़ा आ रहा है तो वॉइस में ऐसे बच्चे जिनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक रही हो जिनको इंग्लिश में मजा नहीं आ रहा हो आज के क्लास को देखने के बाद उन सभी बच्चों को कम से कम वॉइस में तो बहुत मजा आएगा कि बड़े से बड़ा सेंटेंस आपको गिवेन हो कैसे एकदम आसान तरीके से आप उसका आंसर कर पा रहे हैं ठीक है तो यदि इसी सारे क्वेश्चन को हम जितने क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं इसका जो पी प्रैक्टिस हिट हम आपको जो प्रोवाइड कराते हैं आप यदि केवल इतने का भी केवल इन्हीं सभी क्वेश्चन का भी चार से पाँच बार यदि आप प्रैक्टिस कर लें बार बार प्रैक्टिस कर लें तो इतने में ही आपका वॉइस काफ़ी अच्छा हो जाएगा और वॉइस के सारे क्वेश्चन आपसे बनने शुरू हो जाएंगे ठीक है चलिए तो अब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे चलते हैं अब हम लोगों को पढ़ना है फ्यूचर एंड डिफरेंट देखिए फ्यूचर एंड डिफरेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है सबसे पहले फ्यूचर एंड डिफरेंट में एक्टिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है भाई तो वो होता है या will, या विल विल और इसके साथ क्या यूज करते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं ये कहाँ पे देखने को मिलता है तो ये मिलता है एक्टिव में ठीक है अब जब इसका पैसिव हम लोग बनाते हैं क्या बनाते हैं पैसिव बनाते हैं तो पैसिव में हम लोग यूज करते हैं सेल या विल क्या यूज करते हैं सेल या विल इसके साथ यूज करते हैं बी ई बी प्लस यूज करते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म और यहाँ भी हमें एक्टिव से पैसिव में सेंटेंस के सब्जेक्ट के या ऑब्जेक्ट के सिंगुलर या प्लूरल होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो लेफ्ट टू राइट राइट टू लेफ्ट हम लोग कन्वर्जन करेंगे ठीक है तो आइए इनका मजा लेना हम लोग शुरू करें सबसे पहले इनका ये जो दो एग्जाम्पल आपको सामने में दिखाई दे रहा है सबसे पहले इनका हम लोग एक्टिव से पैसे बनाते चले तो यहाँ पे देखिए ये है हमारा मेन वॉब यहाँ पे देखिए सेल बिल लगा हुआ है तो हमने आपको पहले से क्या बता रखा है यदि इनका टेंस पहचानना हो तो कैसे पहचानेंगे कहीं भी आपको सेल बिल के साथ यदि वॉब का फर्स्ट फॉर्म दिखाई दो दिखाई दे तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे हम लोग इसी को बोलेंगे फ्यूचर क्या बोलेंगे फ्यूचर और यदि केवल फर्स्ट फॉर्म ही हो इसके आगे पीछे और कोई दूसरा वर्ब नहीं हो इसके साथ और कोई दूसरा वर्ब नहीं हो तो हम लोग इसी को बोल देंगे इनडिफिनिट क्या बोलेंगे इनडिफिनिट बोलेंगे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ठीक है चलिए तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और इनके टेंस को भी पहचान ये हमारा मेन वर्ब और ये जो हमारा मेन वर्ब है इसका वर्ब का फॉर्म कौन सा है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ये विल के साथ अटैच है अर्थात विल के साथ यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे रही है तो इसका टेंस क्या हो गया इसका टेंस हो गया फ्यूचर क्या हो गया फ्यूचर और इस वर्ब के अलावा कोई दूसरा वर्ब है क्या और नहीं है नहीं है तो अब हम लोग इसको क्या बोलेंगे हम लोग इसी को बोलेंगे इन क्या बोलेंगे तो इसी को बोलेंगे हम लोग इनडिफनेट ठीक है बात समझ में आ गई और ये हमारा सब्जेक्ट ये हमारा ऑब्जेक्ट ठीक है तो सिंपल सी बात है कि सेल का यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग तो आई और वी के साथ यूज़ करते हैं सेल का आई और वी के साथ क्या यूज़ करते हैं सेल का आई और वे इन दो शब्दों को यदि हम लोग छोड़ दें तो बाकी सबके साथ यूज करते हैं विल का कि, किसका यूज करते हैं विल का तो यहाँ देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है ये पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा तो उसके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे विल का यूज करेंगे तो पैसिव का हमारा आंसर क्या बनेगा विल बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आंसर हम लोग लिखते हैं हमारा आंसर बनेगा अरोज विल बी गिफ्टेड अरोज गिफ्टेड बाई रोज विल बी गिफ्टेड बाय बाईल ठीक है नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलते हैं और फिर उसके बाद हम लोग फटाफट कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को या मॉडल क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे यहाँ पे देखिए यह हमारा सब्जेक्ट ये हमारा ऑब्जेक्ट आंसर क्या बनेगा तो आंसर हमारा बनेगा गॉड गॉड विल बी थैंक् बाई माई मदर गॉड विल बी थैंक्ड बाई माई मदर ठीक है बात समझ में आ गई चलिए तो अब यहां से हम लोगों ने एक्टिव पैसिव बनाना सीखा फ्यूचर इन डिफरेंट का अब आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना शुरू करें कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना शुरू करें हम लोग देखें कि फ्यूचर इन डिफरेंट के यदि क्वेश्चन एक्टिव में हमारे एग्जाम में एस एग्जाम में पूछे जाएँ तो हम लोग उसका एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे आइए इसकी चर्चा करें सबसे पहले यहाँ देखें ये सेलविल के साथ क्या दिखाई दे रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये क्या है ऑब्जेक्ट ये क्या है सब्जेक्ट ठीक है तो अब जब इसका हमें एक्टिव से पैसिव बनाना होगा तो हम क्या ढूंढेंगे हम ढूंढेंगे विल प्लस बी ई बी प्लस राइट का थर्ड फॉर्म रिटन विल बी रिटर्न आइए ऑप्शन में चेक करें विल रिटर्न है नहीं है 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 नहीं है, विल है, हाँ है, विल है, नहीं है। आंसर क्या बना ऑप्शन नंबर सी ठीक है आपको मुख्य रूप से फोकस कहाँ करना है तो आपको फोकस करना है वर्ब के फॉर्म पे ये भी देखिए ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है स्किप करते हैं थोड़ा बड़ा क्वेश्चन ढूंढे हम लोग ताकि कुछ देख के हम में से कुछ बच्चे जिसको देख के थोड़ा सा घबराते हैं अब यहाँ ये इस क्वेश्चन को हम लोग जरा सा देखें थोड़ा बड़ा है कॉम्पेटिवली इसके पहले वाले क्वेश्चन के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा बड़ा है यहाँ पे देखिए ये क्या दिखाई दे रहा है विल और विल के साथ ये क्या है अलाउड ठीक है यहाँ पे देखिए नॉट विल है सेंटेंस नेगेटिव हो गया ठीक है चलिए अब यहाँ पे देखिए ये क्या है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो सेल विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है मतलब ये इसका टेंस क्या हो गया तो इसका टेंस हो गया फ्यूचर इंडिफरेंट क्या हो गया फ्यूचर इनडिफरेंट ये क्या है हमारा तो ये हमारा ऑब्जेक्ट ठीक है अब हम पैसे में जाएंगे तो क्या ढूंढेंगे विल बी नॉट अलाउड ठीक है या विल नॉट बी अलाउड ठीक है चलिए आइए जरा हम लोग देखें यहाँ पे विल नॉट बी अलाउड ये हो सकता है यहाँ विल नॉट बी अलाउड है क्या नहीं है यहाँ देखे विल नॉट बी अलाउड है क्या नहीं है तो ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल आंसर बना ऑप्शन नंबर सी आंसर क्या बना आंसर बना ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम लोग ये देखिए ये भी थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन दिख रहा है थोड़ा सा ठीक ठाक ये भी दिख रहा है ये थोड़ा सा और बड़ा मजेदार क्वेश्चन दिख रहा है आइए इसी को हम लोग बनाना शुरू करते हैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए विल बी इंस्टॉल्ड ये देखिए विल बी इंस्टॉल्ड ये सेल विल प्लस बी ई बी ये देखिए बी ई बी के साथ ये क्या है वर्ब का थर्ड फॉर्म है सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है तो आप इसके ठीक पहले चेक कीजिए जाइए ये देखिये हेल्पिंग वर्ब है या नहीं है है तो हेल्पिंग वर्ब है तो ये चला गया पैसिव में कहा चला गया पैसिव में अब ये देखिए विल बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म अर्थात ये कहाँ पे होता है ये फ्यूचर इंड डिफरेंट का होता है पैसे किसका पैसे फ्यूचर इंड डिफरेंट का पैसे अब ये बी ई बी के साथ ये चला गया वर्ब के थर्ड फॉर्म में तो ये हो गया पैसे में देखिए कैसे इसका यदि टेंस आपको पहचानना हो तो सबसे पहले आप कैसे पहचानेंगे सबसे पहले ये देखिए ये क्या है सेल विल ये क्या है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये क्या है ये है वर्ब का थर्ड फॉर्म ठीक है तो सेल विल के साथ ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है इसलिए इसका टेंस हम लोग क्या बताएंगे तो इसका टेंस हो गया फ्यूचर ठीक है <coughs> क्या हो गया फ्यूचर हो गया क्या हो गया फ्यूचर हो गया अब ये देखिए ई बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है इसलिए इसको इसको क्या कहेंगे इसको हम कहेंगे नहीं होता, तो इकलौता वर्ब होता तो है तो यहाँ पे इंस्टॉल्ड ठीक है तो इंस्टॉल्ड का इंस्टॉल लिखा हुआ होता है और सिर्फ यही वर्ब प्रेजेंट होता इसलिए हम लोग इसको कहते प्रेजेंट इन क्या कहते हैं तो हम लोग इसी को कहते हैं प्रेजेंट इन डिफरेंट तो ये जो सेंटेंस गिवन है ये प्रेजेंट इन डिफरेंट टेंस का है और इसका फॉर्मेट क्या है तो ये है पैसिव में अब चूंकि ये पैसिव में इसलिए इसका एक्टिव हमें बनाना होगा एक्टिव जब इसका हम बनाएंगे तो हम एक्टिव में क्या लिखेंगे विल इंस्टॉल क्या यूज करेंगे विल इंस्टॉल ठीक है चलिए हम लोग ढूंढना शुरू करें ऑप्शन में विल इंस्टॉल विल इंस्टॉल विल इंस्टॉल विल इंस्टॉल चारों के चारों ऑप्शन में दिए हुए हैं विल इंस्टॉल ठीक है अब जरा ध्यान दीजिए आप यहाँ पे ये गवर्नमेंट बाई के साथ अटैच है अर्थात ये देखिए पैसिव का ऑब्जेक्ट है ये पैसिव का ऑब्जेक्ट है एक्टिव का क्या बनेगा सब्जेक्ट बनेगा तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए गवर्नमेंट यहाँ देखिए गवर्नमेंट है क्या नहीं विल इंस्टॉल के पहले हमें क्या चाहिए गवर्नमेंट यहाँ है क्या नहीं है ये कैंसिल यहाँ देखिए यहाँ पे द गवर्नमेंट है यहाँ पे द गवर्नमेंट है अर्थात इन दोनों जगहों पर सब्जेक्ट सही हो गया अब इसका जरा देखिए पैसिव का सब्जेक्ट क्या था वाईफाई हॉटस्पॉट वाईफाई हॉट स्पॉट तो हमारे पास दो ऑप्शन बचे कौन कौन से ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी अर्थात दूसरा और चौथा ठीक है अब इन दोनों में देखिए ये जब पैसिव का सब्जेक्ट है तो एक्टिव का ये क्या बनेगा ऑब्जेक्ट बनेगा एक्टिव के ऑब्जेक्ट के रूप में देखिए यहां पे वाई फाई हॉट स्पॉट यहाँ पे देखिए वाई फाई हॉट स्पॉट गायब है तो ऑप्शन नंबर फोर कैंसिल हो गया आंसर बना ऑप्शन नंबर बी क्या बना ऑप्शन नंबर बी ठीक है तो यदि एक से ज़्यादा ऑप्शन सेम वर्ब के फॉर्म को दिखा रहा हो एक्टिव या पैसिव में तो ऐसे सिचुएशन में आपको सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेक करने की ज़रूरत होती है विद द हेल्प ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आप आसानी से करेक्ट ऑप्शन को पिक कर सकते हैं करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग और चलते हैं कुछ और नए क्वेश्चन की तरफ यहां भी देखिए कुछ क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है द पार्टनर्स विल सेलिब्रेट देर ट्राइफ टूमो यहाँ देखिए विल विल के साथ क्या है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है विल के साथ क्या है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है अर्थात ये फ्यूचर डिफरेंट है तो हम क्या चूज करेंगे पैसे में विल बी सेलिब्रेटेड आ जाइए चेक करें हम लोग विल बी सेलिब्रेटेड देखिए इसमें है क्या नहीं है कैंसिल विल बी सेलिब्रेटेड नहीं है विल बी सेलिब्रेटेड है विल बी सेलिब्रेटेड नहीं है तो एक ही ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर बी ठीक है चलिए तो अब यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़े और अब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे फ्यूचर परफेक्ट क्या पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट का एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है तो एक्टिव इसका एस स्ट्रक्चर क्या होता है सबसे पहले हम लोग इसको सीखते हैं और फिर इन गिवन क्वेश्चन के एक्टिव से पैसे बनाएंगे और फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे मॉडल क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ तो देखिए इनका स्ट्रक्चर क्या होता है इनका स्ट्रक्चर होता है सेल या विल सेल या विल प्लस हैव

क्वेश्चन का एक्टिव से पैसे बनाना सीखें अब आप में से कई बच्चों को मन में डाउट हो सकता है कि जरा इसका टेंस पहचानना सिखाइए यह सर यहाँ पे देखिए ये विल लगा हुआ है ये हैव क्या है तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये क्या है तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म अब कहिएगा कि सर इसका सेकंड और थर्ड दोनों सेम होता है तो भाई ठीक है सेकंड थर्ड दोनों सेम होता है तो आप इसके ठीक पहले चेक कीजिए कोई हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं है है तो हेल्पिंग वर्ब यदि है तो इसी को क्या मानेंगे थर्ड फॉर्म मानेंगे बात समझ में आ गई तो सेल विल के साथ ये जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है इसके कारण हम लोग इसको क्या बोलते हैं तो इसके कारण हम लोग बोलते हैं इसको फ्यूचर ठीक है और देखिए इसके साथ ये हैव लगा हुआ है और हैज हैव के साथ क्या आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो हैज हैव के साथ या हैव हैड हैड हैविंग हैज हैव के इन पांचों में से किसी भी फॉर्म के साथ कहीं भी थर्ड फॉर्म आपको दिखाई दे तो हमने पहले से बता रखा है उस कंडीशन में इसका टेंस हम लोग क्या बताते हैं इस कंडीशन में इसका टेंस हम लोग बताते हैं परफेक्ट तो इसका टेंस क्या होगा फ्यूचर परफेक्ट ठीक है अर्थात हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम लोगों ने जो भी टेंस को पहचानने का कॉन्सेप्ट सीखा था वो सभी जगहों पे अप्लाई होता हुआ नजर आ रहा है ठीक है तो चलिए अब अप्लाई करना भी हम लोग सीख गए टेंस को पहचानना भी सीख गए एक्टिव पैसिव के कॉन्सेप्ट को भी सीख गए अब इसका यूज करना सीखे तो देखिए ये, ये है ये है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ठीक है ये हमारा ऑब्जेक्ट ये हमारा सब्जेक्ट है. इसका एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो आंसर क्या बनेगा आंसर बनेगा द हाउस द हाउस विल हैव बीन द हाउस विल हैव बीन सोल्ड द हाउस विल हैव बीन सोल्ड बाई यू द हाउस विल हैव बीन सोल्ड बाई यू अब आप में से कुछ बच्चों के मन में फिर एक डाउट क्रिएट हो सकता है सर फ्यूचर एंड डिफरेंट के बाद आप सीधा फ्यूचर परफेक्ट पढ़ाने लगे आपने फ्यूचर कंटिन्यूस नहीं पढ़ाया तो आप याद कीजिए हमने आपको वॉइस के फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि टोटल टेंस कितने होते हैं तीन और तीनों के कितने टाइप्स होते हैं तो होते हैं चार चार ठीक है तो टोटल टाइप्स को यदि हम लोग ऐड कर दें तो टोटल कितने टाइप्स के टेंस हो गए हो गए ट्वेल्व और ट्वेल्व में से हमने आपको बता रखा है पहले से किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूस का पैसिव नहीं बनता किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूस का पैसिव नहीं बनता ठीक है तो यदि किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूस का पैसिव नहीं बनता है तो परफेक्ट कंटिन्यूस कितने होते हैं तीन तो बारह में तीन माइनस कर दीजिए बचे कितने नाइन और फिर उसके बाद हमने आपको बताया था कि फ्यूचर कंटिन्यूस का भी पैसिव नहीं बनता फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी पैसिव नहीं बनता अब चूंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है एक और माइनस कर दीजिए नाइन में से एक और माइनस हो गया अब क्या बचा अब बचा एट ठीक है इसलिए फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव नहीं बनता तो सिंपली हम लोग किसका पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट का और इसके बाद इसी के साथ हम लोगों का टेंस के स्ट्रक्चर बेस्ड या टेंस बेस्ड जो एक्टिव पैसिव के कॉन्सेप्ट होते हैं क्वेश्चन होते हैं वो सब के सब यहीं पे समाप्त हो जाएंगे पूरा वॉइस नहीं इस बात का ध्यान रखिए वॉइस आपका खत्म अभी होने वाला नहीं है ठीक है आगे अभी चलेगा तो चलिए अब इनके बाद सेकंड वाले क्वेश्चन का हम लोग जरा आंसर बनाते चले अब सेकंड वाले का सीधा हम यहाँ पे आंसर लिख रहे हैं आशा करते हैं अब तक आप क्वेश्चन को बनाना सीख चुके होंगे हमारा आंसर क्या बनेगा तो आंसर बनेगा द सॉप विल द सॉप विल द सॉप विल हैव बिन ओपनड द सॉप विल हैव बिन ओपन बाई बाय रमेश द सॉप विल हैव बिन ओपन बाई रमेश So, we'll have been opened by Hermes. ठीक है, बात समझ में आ गई ठीक है तो चलते हैं अब इसके बाद हम लोग कुछ मॉडल क्वेश्चन या कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें क्या कुछ है हम लोगों के पास और थोड़ा सा बड़ा बड़ा सेंटेंस हम लोग ढूंढने का प्रयास करें एक ही क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो आइए इस एक ही क्वेश्चन के माध्यम से अब हम लोग इसमें संतोष करते हैं और इसी सिंगल क्वेश्चन पे हम लोग प्रैक्टिस करने का प्रयास करते हैं सबसे पहले यहाँ देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है सेल विल प्लस है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म अर्थात इसका टेंस क्या हो गया इसका टेंस हो गया फ्यूचर परफेक्ट तो फ्यूचर परफेक्ट हो गया पैसे में हमें क्या ढूंढना होगा तो सबसे पहले आप इसका ज़रा ऑब्जेक्ट देख लीजिए ये है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन नहीं है ठीक है और ऑब्जेक्ट जब फर्स्ट पर्सन नहीं है तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे हम यूज करेंगे विल तो हमें आंसर में ऑप्शन में क्या ढूंढना होगा ऑप्शन में हमें ढूंढना होगा विल हैव हैव विल आ जाइए ऑप्शन ढूंढना शुरू करें विल हैव बिन रिटेन है क्या नहीं है कैंसिल नहीं है कैंसिल विल हैव बिन रिटर्न यहाँ पे है यहाँ पे विल been रिटर्न नहीं है एक ही ऑप्शन है जिसमें विल written लगा हुआ है अर्थात हमारा आंसर क्या बनेगा तो हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर क्या बनेगा आंसर बनेगा सिंपली ऑप्शन नंबर बी आंसर क्या बनेगा ऑप्शन नंबर बी तो इसी के साथ आज का हम लोगों का ये जो थर्ड लेक्चर था यहाँ तक हम लोगों ने टेंस पर बेस्ड सारे क्वेश्चन के एक्टिव से पैसे बनाने सीखे और अब इसके आगे की चीज़ों को हम लोग सीखेंगे अपने अगले क्लास में कहाँ पे सीखेंगे अपने अगले क्लास में अर्थात तो वॉइस के चौथे पार्ट में वॉइस पार्ट फोर में सीखेंगे और वॉइस पार्ट फोर आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्यों इंपॉर्टेंट रहने वाला है आइए हम इसकी भी चर्चा आपके साथ करते चले क्योंकि आप कई बार देखते होंगे जब कभी कहीं भी कोई भी सेंटेंस आपको गिवन होता है या जब भी कभी आपको कोई पैसिव सेंटेंस गिवन होता है तो आप देखते हैं उसमें कई बार एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता है उसको नहीं लिखा गया होता है कई बार उसमें बाई नहीं लगे होते हैं ठीक है ठीके? तो इन सभी मुद्दों पे हम लोग चर्चा करेंगे कि कब हम लोग बाई का यूज़ करते हैं और बाई के बाद कब ऑब्जेक्ट लगाते हैं कब ऑब्जेक्ट नहीं लगाते ठीक है तो आ, अगले क्लास को जरूर से देखिए क्योंकि अगला क्लास आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट आने वाला है उसके बाद जो वॉइस का लास्ट क्लास होगा चाहे वो वॉइस का फोर्थ पार्ट हो या फिफ्थ पार्ट हो वॉइस का अगला क्लास या उसके आगे भी जो क्लास हो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि अगला पार्ट जो होगा अर्थात जो लास्ट पार्ट होगा उसमें हम लोग इन्फिनेटिव बेस्ड सेंटेंस का एक्टिव से पैसे बनाना सीखेंगे और इन्फिनेटिव जैसा कि हमने आपको वॉइस के पार्ट वन में बताया था उसका फॉर्मेट बेसिक फॉर्मेट क्या होता है तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम लोग कन्वर्ट करते हैं टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में लेकिन ये कहना जितना आसान है इस तरीके से यूज करके या सेम कॉन्सेप्ट को यूज करके उसका एक्टिव से पैसे बनाना कॉम्पेटिवली उतना आसान नहीं है बात समझ में आ रही है तो वो थोड़ा सा आपको एंटेंगल करता है वो आपको परेशान करता है वो आपको फंसाता है ठीक है और सम्भवतः लास्ट क्लास में ही हम लोग हु हुम और वॉट के कॉन्सेप्ट को भी पढ़ेंगे ठीक है तो चलते हैं यहाँ से आगे हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं वॉइस के पार्ट फोर में मिलते हैं तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए आज के इस क्लास को हम लोग यहीं पे कंक्लूड करते हैं समप्त करते हैं आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद